हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनु ठाकुर। सो टुडे इज़ माय टॉपिक विच इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज़ हाइपोटेंशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन। हाइपर मीन्स इंक्रीज होना एंड हाइपो मीन डिक्रीज होना। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। सो स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज हाइपोटेंशन। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पंप्स आउट ब्लड। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एंड ब्लड प्रेशर जो है हमारा, वो इंडिकेट करता है टू नंबर्स को, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सो हेयर इज ब्लड प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय टू नंबर्स, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो अपर नंबर होते हैं, टॉप के नंबर होते हैं, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो बॉटम नंबर्स होते हैं दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। विच आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्लड प्रेशर रिस्पेक्टिवली। असिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ऑफ लेस देन 60 mm ऑफ Hg इज जनरली कंसिडर टू बी हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन हम तो बोलेंगे जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम होगा एंड हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mm ऑफ Hg से कम होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। सिवियरली लो ब्लड प्रेशर कैन डिप्राइव द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, लीडिंग टू अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, दैट इज कॉल्ड शॉक। जब हमारा बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है उनको अफेक्ट करता है, हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, जो फिर हमारी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड शॉक, उसको हम बोलते हैं शॉक। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन। सो हाइपोटेंशन कैन बी कॉज्ड बाय लो ब्लड वॉल्यूम। लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल की वजह से हो सकता है, अनीमिया की वजह से हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हाइपोटेंशन होना एक नॉर्मल बात है। अगर एंडोक्राइन में हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम हाइपोटेंशन से सफ़र कर सकते हैं। सम मेडिकेशंस कैन आल्सो लीड टू हाइपोटेंशन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जब हम लेते हैं तो हमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, हमें बड़ा डिजीनेस सा फील होना शुरू हो जाता है। देयर आर ऑल्सो सिंड्रोम्स दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन इन पेशेंट, इंक्लूडिंग ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वो होती है जब हम सिटिंग पोजिशन में होते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। वेसोवेगल सिंकोप, इसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है एकदम से ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से हम फेंट हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम तक हम स्टैंडिंग पोजिशन में हो तो भी हम फेंट हो सकते हैं, या फिर हमें कोई स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी फेंट होना एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सारे कॉजेज हैं हाइपोटेंशन के। नेक्स्ट इज व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। फर्स्ट वन इज चेस्ट पेन। तो सबसे पहला जो हमारा साइन है दैट इज चेस्ट पेन, और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारी जो ब्रीथनेस है वो शॉर्ट हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, और जो हमारा फीवर है दैट इज़ हायर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 100 से अबव है अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो। नेक्स्ट इज़ हेडेक होना शुरू हो जाएगा अगर हमारा बीपी ड्रॉप हो जाए तो, स्टिफ नेक हो जाएगी, सीवियर अपर बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, एंड कफिंग होगी विद स्पूटम, प्रोलॉन्ग डायरिया और वोमिटिंग हो सकती है, डिस्पेप्सिया इट मीन्स इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारा जो बीपी है वो कम हो जाए, लो हो जाए, डिशयूरिया, पेनफुल यूरिन आ सकता है, पेनफुल यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, प्रोफाउंड फैटिक, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना शुरू हो जाएगी अगर हमारा जो बीपी है वो फॉल हो जाए, टेम्परेरी ब्लरिंग और लॉस ऑफ विजन।
धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, हो सकता है हमारा जो विजन है वो भी लॉस हो जाए ड्यू टू फॉलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। लास्ट वन इज ब्लैक टेरी स्टूल्स, स्टूल का कलर चेंज हो सकता है। सो दीज ऑल आर द साइंस एंड सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। क्रोनिक हाइपोटेंशन रेयरली एग्जिस्ट एज मोर देन अ सिम्टम। रेयरली ऐसा होता है कि जो क्रोनिक हाइपोटेंशन है वो एक सिम्टम के साथ एग्जिस्ट हो, अदरवाइज जो क्रोनिक हाइपोटेंशन के सिम्टम होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ए सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन हेल्दी पीपल यूजली डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। जो हेल्दी पर्सनस होते हैं एंड हाइपोटेंशन के सिम्टम भी नहीं होते उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज एडिंग इलेक्ट्रोलाइट टू अ डाइट कैन रिलीव सिम्टम ऑफ माइल्ड हाइपोटेंशन। जो माइल्ड हाइपोटेंशन होती है तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि जो सिम्टम है उनको हम रिलीव कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सो दैट कि जो हमारे माइल्ड हाइपोटेंशन है उसको हम रिलीव कर सकें। अ मॉर्निंग डोज ऑफ कैफीन कैन ऑल्सो भी इफ़ेक्टिव। अगर हम मॉर्निंग में कैफीन की डोज लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिव होती है हमारी हाइपोटेंशन को रिलीव करने में। इन माइल्ड केसेस वेयर द पेशेंट इज स्टिल रिस्पॉन्सिंग लाइंग द पर्सन इन डोर्सल पोजिशन। कुछ केसेस में ऐसा होता है अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा हो उसको डोर्सल पोजिशन में लेटा देते हैं एंड लिफ्टिंग द लेग्स इंक्रीज वेनस रिटर्न। और लेग्स को लिफ्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड अवेलेबल हो जाता है फॉर क्रिटिकल ऑर्गन इन द चेस्ट एंड हेड। तो इस तरह से हम माइल्ड हाइपोटेंशन को रिलीव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए डाइट में, कैफीन का यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग में, सो दैट हम हाइपोटेंशन को रिलीव कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक, दैट इज़ हाइपोटेंशन।